ओके तो कैसे हो सबके सब। आज के वीडियो में भाई हम लोग देखने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ खतरनाक सीक्रेट्स, जिसको देखने के बाद तुम भी कहोगे हैं ये भी होता है। जैसे कि एक स्पेसिफिक एंचेंटमेंट के साथ स्पाइडर को मारने से उसको एक खतरनाक पोषण इफेक्ट मिलता है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 बकेट पाउडर स्नो से हम लोग माइनक्राफ्ट के सबसे ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे ही कुछ खतरनाक सीक्रेट हम लोग जानने वाले, तो चलो भाई आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो नॉर्मली अगर शार्पनेस 5 या फिर स्माइट 5 से हम लोग कोई भी मॉब को मारते तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। नॉर्मली बस बंदे मर जाते हैं भाई और कुछ नहीं होता। लेकिन वही पे बेन ऑफ ऑर्थोपॉड्स, जिसका हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते, उससे अगर हम लोग कोई भी ऑर्थोपॉड मॉब्स को मारते तो उसके ऊपर एक पोषण इफेक्ट गिर जाता है। ये है भाई स्लोनेस 4। बेन ऑफ ऑर्थोपॉड्स कोई भी ऑर्थोपॉड्स मॉब्स के ऊपर स्लोनेस 4 डाल देता है। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला बेन ऑफ ऑर्थोपॉड यूज कर रहे हो। बेन ऑफ ऑर्थोपॉड 5 अगर यूज कर रहे हो तो ये इफेक्ट भाई 3.5 सेकंड तक रह सकता है। यार हम लोग बेन ऑफ ऑर्थोपॉड यूज नहीं करते, लेकिन बहुत कमाल चीज है, डैमेज भी इंक्रीज होता है और स्लोनेस इफेक्ट भी गिरता है। तो लेट्स गो, चलते हैं अपना नेक्स्ट फीचर के ऊपर, जो कि भाई ज़ॉम्बी हेट्स विलेजर। देखो बहुत सिंपल फंडा है, अगर हम लोग इनविजिबिलिटी का पोषण डाल देंगे तो कोई भी मॉब अपने को देख नहीं पाएगा। हाँ अगर ज्यादा ही पास चले जाएंगे फिर देख लेगा, नहीं तो फिर नहीं देख पाता कोई भी मॉब। लेकिन यही सिंपल फंडा भाई विलेजर के साथ काम नहीं करता है। अगर हम लोग विलेजर के ऊपर इनविजिबिलिटी का पोषण डाल देंगे फिर भी भाई ज़ॉम्बी अगर आएगा तो वो देख ही लेगा। मतलब इतना ज्यादा हेट करता है भाई ज़ॉम्बी विलेजर्स को कि भाई इनविजिबिलिटी का पोषण के साथ भी देख लेता है। तो हाँ विलेजर का जिंदगी बहुत मुश्किल है मेरे भाई। लेट्स गो, चलते अपना नेक्स्ट फीचर के ऊपर, जो कि है भाई एडवांसमेंट। बिल्कुल देखो माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारा एडवांसमेंट होता है एंड अपने को भाई वो सब एडवांसमेंट कंप्लीट करना होता है। लेकिन मेरे भाई कुछ स्पेसिफिक एडवांसमेंट ऐसा भी होता है जिनको कंप्लीट करने पे अपने को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। झूठ लग रहा है ना? बिल्कुल मेरे को भी लगा था, लेकिन ये भाई सच है। जैसे कि अगर हम लोग नेदरराइट से फुल्ली कवर्ड होंगे तो अपने को 7 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। बताओ भाई अपना तो बल्ले बल्ले हो गया, एडवांसमेंट कंप्लीट करेंगे और फिर एंचेंटमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक एडवांसमेंट के ऊपर अपने को एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलता है। तो हाँ कुछ कुछ में मिलता है, कुछ कुछ में नहीं मिलता है। चलते अपना नेक्स्ट फीचर के ऊपर, जो कि है भाई नल्ला विलेजर। बिल्कुल, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया है कि हर एक विलेज के अंदर ये वाला एक ग्रीन कोट विलेजर मिलता है? ये भाई सर्टिफाइड नल्ला विलेजर है। बिल्कुल, इसके सामने तुम कोई भी वर्किंग स्टेशन रख दो, ये काम करेगा ही नहीं, क्योंकि इसको काम करना ही नहीं होता है। ये भाई रात को ज्यादा देर तक जगता है और सुबह को सोता है, मतलब इतना नल्ला। और यही पे खत्म नहीं होता है, अगर बेडरॉक एडिशन के अंदर हम लोग कोई भी आयरन फार्म बना रहे तो ये विलेजर अगर उसमें हम लोग डालेंगे तो आयरन फार्म काम नहीं करेगा। मतलब इससे कुछ नहीं होता है, इतना बेकार विलेजर है ये। यार बात तो हो रहा है इस नल्ले विलेजर की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि इधर मेरा बात हो रहा है। चलते हैं अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि भाई पाउडर स्नो को हम लोग फिशिंग रॉड से तुरंत पिघला सकते हैं। बताओ यार पाउडर स्नो भी पिघलने लगा अभी तो। अपने को क्या करना है भाई? बहुत सिंपल है भाई, लावा के अंदर से फिशिंग रॉड फेंकना है और ये देख लो भाई तुरंत भाई पाउडर स्नो पिघल जाएगा। और ये इतना सेटिस्फाइंग है भाई, क्या होता है, इसका साउंड बहुत ज्यादा कूल है। लेकिन इसका कोई यूज है? नहीं, मेरे को नहीं लगता इसका कोई यूज है, लेकिन एक कूल फैक्ट है ये। अभी बात हो ही रहा है पाउडर स्नो की, तो चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि भाई जब से ये पाउडर स्नो आया है भाई माउंटेन के अंदर जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है। भाई भर भर के पाउडर स्नो मिलता है और गिर गया फिर हो गया खत्म। अभी इस पाउडर स्नो से हम लोग बच सकते हैं लेदर बूट पहन के, लेकिन लेदर बूट कौन पहनता है मेरे भाई? तो और एक सॉल्यूशन है भाई, साथ में रखना एक फ्लेम वाला बो। बिल्कुल ये देख लो भाई, जैसे ही हम लोग फ्लेम बो से मारेंगे पाउडर स्नो को तुरंत गायब हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा। तो बिल्कुल भाई सिंपल सा फंडा है, जब भी माउंटेन के अंदर जाओ साथ में एक फ्लेम वाला बो ले लो, काम खत्म। लेदर बूट्स बाहर में जाए भाई। ऐसे कमाल के और फैक्ट्स आने वाला है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो ना मेरे भाई। इस वीडियो का लाइक लगते 550 लाइक प्लीज कर दो, और अगर चैनल में नए हो भाई सब्सक्राइब करो यार। चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि है भाई पाउडर स्नो के मदद से हम लोग वर्ल्ड के हाइट लिमिट तक पहुंच सकते हैं। देखो नॉर्मली अगर ऊपर जाना है अपने को क्या करना पड़ता है भाई? टावर बिल्ड करना पड़ता है, बहुत सारा ब्लॉक्स चाहिए होता है, इन्वेंटरी फुल हो जाता है। लेकिन यही टावर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 बकेट पाउडर स्नो एंड एक लेदर बूट से कर सकते हैं। क्या करना है अपने को? बहुत ज्यादा सिंपल टेक्निक है, अपने को 2 बकेट पाउडर स्नो प्लेस करना है और फिर नीचे वाला पाउडर स्नो उठा लेना है और फिर से ऊपर प्लेस कर देना है, फिर से नीचे वाला पाउडर स्नो उठा लेना है, फिर से ऊपर प्लेस कर देना है। ऐसे ही बस करते जाना है। हम लोग भाई जितने चाहे ऊपर तक पहुंच सकते हैं। 2 चीजें ध्यान में रखना है बस अपने को, लेदर बूट पहनना ही पहनना है और क्राउच नहीं करना है। अगर क्राउच करेंगे तो कुछ ये असर होगा।
बूम बूम चलते हैं अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि है भाई बीकन। देखो बीकन माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि ये बनता है भाई ऑब्सीडियन से। अभी ऑब्सीडियन नॉर्मल पिकेक्स से तो टूटता नहीं है भाई, डायमंड या फिर नेदरराइट का पिकेक्स चाहिए होता है ऑब्सीडियन तोड़ने के लिए। लेकिन जब वही ऑब्सीडियन से हम लोग बीकन बना लेते हैं और ऑब्सीडियन बीकन के नीचे दिखता भी है, लेकिन फिर भी बीकन को हम लोग हाथ से भी तोड़ सकते हैं और वो मिल जाता है। मतलब माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक विदाउट पिकेक्स से टूट जाता है। अरे पिकेक्स छोरो हाथ से टूट जाता है। और यही पे खत्म नहीं होता है। देखो नॉर्मली अगर अपने को ग्लास को तोड़ना है तो अपने को सिल्क टच वाला पिकेक्स चाहिए होता है। हाथ से ग्लास टूटता नहीं है, लेकिन टिंटेड ग्लास टूट जाता है भाई हाथ से। अगर ये हाथ से ही टूट जाता है फिर इसका नाम ग्लास क्यों है? और अगर ये ग्लास है तो कैसे सिल्क टच के बिना टूट रहा है? तो हाँ भाई लॉजिक वो तो कब का मर गया। तो बिल्कुल 100% बीकन एंड टिंटेड ग्लास हम लोग हाथ से भी तोड़ सकते। चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि है भाई एन्चेंटमेंट टेबल। हम सबको पता है एन्चेंटमेंट टेबल एक जादुई टेबल होता है। इसके मदद से हम लोग कुछ मैजिकल आइटम अपने टूल वगैरह में डाल सकते हैं। लेकिन एन्चेंटमेंट टेबल अपने आप में बहुत बड़ा जादू है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग एन्चेंटमेंट टेबल के पास जाते एन्चेंटमेंट टेबल का बुक खुल जाता है और जिधर भी हम लोग मूव करते बुक अपने को फॉलो करता है। और यही पे खत्म नहीं होता है मेरे भाई, ये तो नॉर्मल बात हो गया। अगर हम लोग इनविजिबिलिटी का पोषण डाल देंगे तो क्या होगा? तब भी भाई एन्चेंटमेंट बुक अपने को पकड़ लेगा और फॉलो करेगा। यार कोई भी बंदा अगर इनविजिबिलिटी का पोषण डाल के बैठा है तो उसको ढूंढने के लिए ये सबसे मस्त टेक्निक है। तो बिल्कुल मेरे भाई कुछ भी डाल लो लेकिन एन्चेंटमेंट टेबल के सामने तुम छुप नहीं सकते। तो लेट्स गो जल्दी अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर होने वाला है। देखो हम सबको पता है कि वन ब्लॉक के थ्रू माइनिंग करना कितना ज्यादा आसान है। बहुत ही तबाहीदार माइनिंग होता है और डायमंड मिलने का चांस भी ज्यादा होता है। लेकिन मेरे दोस्त माइनिंग करने के बाद वापस आना उतना ही ज्यादा पेनफुल है। इतना स्लो चलता है कैरेक्टर, इतना स्लो चलता है, वापस आने में घंटों लग जाता है। लेकिन इस चीज का एक सॉल्यूशन भी है, हम लोग तेजी से वापस आ सकते। अपने को पहनना है भाई स्विफ्ट स्नेक 3। बिल्कुल मेरे भाई स्विफ्ट स्नेक एन्चेंटमेंट पहनने के बाद हम लोग वन ब्लॉक के थ्रू बहुत तेजी से जा सकते, तो वापस आने का टेंशन खत्म। तो चलो भाई ये था कुछ खतरनाक सीक्रेट फीचर माइनक्राफ्ट के। आज का वीडियो इधर ही खत्म करते, मैं मिलता हूँ तुम लोगों को एक और दवाईदार वीडियो के साथ।